अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम गुफ्तगू करेंगे कंप्यूटर के पहले लेक्चर के साथ, जो कि हमारे नेटवर्क्स के बारे में होगी। उससे पहले मैं आपको इस किताब के बारे में बता देना चाहता हूँ कि ये किताब कंप्यूटर एजुकेशन ग्रेड 8 इंशाल्लाह आपको कॉलेज लाइब्रेरी से दस्तियाब हो जाएगी। आज हम इसके फर्स्ट यूनिट के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, जो कि कंप्यूटर नेटवर्क एंड कम्युनिकेशंस। मैं थोड़ा सा नेटवर्क के हिस्ट्री के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि कंप्यूटर की नेटवर्क हिस्ट्री क्या है। जैसा कि आपको पता है कि इंसान ने वक्त के साथ साथ अपने आपकी सहूलत के बारे में सोचा है कि उसे अपने आपको सहूलत देनी है, आसानियां पैदा करने के लिए उसने सोचा है। तो जब इंसान ने ये भी देखा कि हमारी इंफॉर्मेशन, क्योंकि दुनिया जो इतने बड़े बड़े कंप्यूटर्स डिजाइन कर लिए और हमारा डेटा जो कि थोड़ी सी तादाद में नहीं रहा, काफी मिकदार में डेटा रहा, जब इस लेवल तक हम पहुंचे तो इंसान को जरूरत पेश आई कि हम अपना कंप्यूटर से डेटा एक कंप्यूटर को या एक से ज्यादा कंप्यूटरों को किस तरह भेज सकते हैं, किस तरह हम एक इंफॉर्मेशन को दूसरे कंप्यूटर के साथ शेयर कर सकते हैं। सही बात है, पहले जैसे पुराने दौर में हम डेटा को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते थे तो हमें फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल करना पड़ता था, जिसके अंदर आपको पता है कि लिमिटेड डेटा आता है। लेकिन वक्त के साथ साथ जब हमारी जरूरियात भी बढ़ गई और हमारे डेटे की साइज में भी इजाफा हो गया, तब हमें जरूरत पड़ गई कि हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जो हमारी इंफॉर्मेशन को, हमारी मालूमात को एक वक्त में एक से ज्यादा कंप्यूटरों पर शेयर कर सके। इसकी हिस्ट्री के बारे में मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहता हूं कि आज से कुछ साल पहले, यानी कि 1960s की बात है, अमेरिका का एक दिफाई इदारा है जिसका नाम है DOD। इस इदारे ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया जो कि आर्पा के नाम से जाना जाता था, और उस प्रोजेक्ट में यही था काम कि एक से ज्यादा कंप्यूटरों को आपस में इंटरकनेक्ट करके उनसे डेटा, मालूमात या दीगर रिसोर्सेस ऑफ कंप्यूटर्स को शेयर किया जा सके। तो ये जो आइडिया था, बेसिकली ये एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे जिनका नाम था लियोनार्ड क्लिनरॉक, इन्होंने ये 1960s में ये आइडिया पेश किया और इस आइडिया पे अमल कराते हुए फर्स्ट टाइम पेंटागन के 4 कंप्यूटर्स को उनके रिसर्च बेस पे कनेक्ट किया। फिर ये सिलसिला बढ़ता गया और इसको 100 यूनिवर्सिटीज पे लाया गया, उनके कंप्यूटर्स को इंटरकनेक्ट किया गया। जब देखा कि ये वाकई एक बेहतरीन तरीका है और ये कामयाब एक्सपेरिमेंट हो चुका है, तो उन्होंने 1970s के अंदर इसको एक बड़े नेटवर्क में कन्वर्ट
जो आज इंटरनेशनल नेटवर्क कहलाता है, यानी कि इंटरनेट। हम बात करते हैं यूनिट वन की, और यूनिट वन के एतबार से बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। नेटवर्क बेसिकली एक या एक से ज्यादा कंप्यूटरों को आपस में इंटरकनेक्ट करने से एक दूसरे कंप्यूटर के साथ अपने कंप्यूटर के रिसोर्सेस शेयर करने को कहते हैं। दो कंप्यूटरों को आपस में ज्वाइंट करने से जो हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं उसे, यानी कि रिसोर्सेस क्या है हमारे कंप्यूटर के, हार्ड डिस्क, हमारे कंप्यूटर के इंटरनेट, हमारे डेटा फाइल्स, हमारे प्रोग्राम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम। हम अपने कंप्यूटर के साथ प्रिंटर यूज कर रहे हैं, सीडीरोम यूज कर रहे हैं, डीवीडी लगाया हुआ है, हमने स्कैनर लगाया हुआ है, हम उसके साथ अपने रिसोर्सेस शेयर कर सकते हैं ताकि दीगर कंप्यूटर्स के यूजर्स उससे मुस्तफीद हो सके। ये नेटवर्क्स जो होते हैं ये हम जिस तरीके से उसको बनाते हैं, जोग्राफियाई हदूद के मुताबिक हम इनको डिजाइन करते हैं, यानी कि हम अपनी स्पेस देखते हैं कि किस स्पेस में कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क बन सकता है। फर्स्ट कर लें जैसा कि एक कमरा है, उस कमरे के अंदर एक कंप्यूटर नेटवर्क है। बाज़ औक़ात हमें एक टाउन के अंदर कंप्यूटर नेटवर्क बनाना पड़ता है, बाज़ औक़ात हमें एक सिटी के अंदर या फिर एक से ज्यादा सिटीज को इंटर कनेक्ट करना, या आलमी तौर पे तमाम दुनिया के कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट। तो हम इसको तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में आपको तफसील से इनके नेटवर्क टाइप्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। हम कंप्यूटर नेटवर्क्स में जो चीजें इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क में बेसिकली हम कॉमन रिसोर्सेस, प्रिंटर, स्टोरेज, इंटरनेट एक्सेस, डेटा फाइल्स, डेटाबेस प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, इस सब के सब हम एक सेंट्रल कंप्यूटर में सेव करके उसके साथ दीगर कंप्यूटर्स के क्लाइंट के जाते हैं उनमें इस्तेमाल कर सकते। एडवांटेजेस क्या है एक कंप्यूटर नेटवर्क के? एडवांटेजेस जैसे कि मैंने पहले बताया कि हम अपने रिसोर्सेस शेयर कर सकते हैं, जैसे कि प्रिंटर, सीडी, डीवीडी, आपकी हार्ड डिस्क वगैरह वगैरह। हम इसी तरह अपने दीगर फाइल्स भी शेयर कर सकते हैं, मुख्तलिफ कंपोनेंट्स। बस आगे तो डेटा में हम डेटा कौन कौन सी चीजें, हमारी पिक्चर हमारा डेटा है, हमारा टेक्स्ट डेटा है, हमारे पास वीडियो फाइल ये भी डेटा है, ऑडियो फाइल ये भी हमारे पास डेटा है,